ग्वालियर जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और नए वोटर्स को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जिला पंचायत और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में मोती महल बैजाताल पर एक शाम मतदाताओं के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर रुचिका चौहान, नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह, एडीएम टीएन सिंह के अलावा स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू सिंह विशेष रूप से मौजूद रही। बता दें कि इस कार्यक्रम में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता, रंगोली और अन्य महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदाता इसमें हिस्सा लें, इसलिए चुनाव आयोग के निर्देश पर ये ड्राइव की जा रही है। ग्वालियर से योगेश पिसारिया की रिपोर्ट। देखिए, निर्वाचन आयोग की ये मंशा है कि सभी मतदाताओं का नाम सूची में हो और फाइनली जब हमारे यहाँ जो 7 मई को जो वोटिंग का डे है ग्वालियर जिले के लिए, उस दिन सभी लोग मतदान के लिए बाहर आए, तो एक अवेयरनेस ड्राइव क्रिएट करने के लिए कि किस प्रकार से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है हम सभी वोटर्स की, इसके लिए सभी लोग सहयोग करें। और अभी भी बहुत समय बाकी है, यदि किसी का भी नाम वोटर सूची में नहीं है तो मैं पुनः आप सबके माध्यम से आग्रह करूंगी कि अपना नाम आप वोटर लिस्ट में देख लें। यदि नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या अपने बीएलओ के माध्यम से उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं।